हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। तो गॉस का नियम हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था और गॉस के नियम को डेरिवेशन भी कर लिए थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला था। और उसी पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी उनका अनुप्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ किया जाता है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अंतिम वीडियो पूरे अंत के अंत तक। आपको ज़रूर उम्मीद करते होंगे कि आपको ज़रूर ये बात समझ में आ जाएगा कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है आपकी टॉपिक? आपकी टॉपिक है अनंत विस्तार की आवेशित तार। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है बच्चों के मन में, या गाइज आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि सर लोग बनाते हैं, मान लीजिए बुक से देख के, जाए जैसे देखकर जो कुछ लोग बनाते होंगे, तो अपनी तो आदत है नहीं कि बुक से देख के बनाना, ये बनाना वो बनाना, आप भी वैसे कर सकते हैं। देखिए टॉपिक में क्या दिया है, अनंत तार की आवेशित तार, यानी कोई एक ऐसा लेना है कि जो कि तार लेना है जो कि जिसकी लंबाई अनंत हो, जिसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो। भाई एक आवेशित तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई अनंत हो। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब वो आवेशित तार चलिए एक लेते हैं ऐसे कुछ करके, जो कि मानते हैं कि ये कोई आवेशित तार है जिसकी लंबाई अनंत तक है, बहुत लंबा तार है, इसकी लंबाई कोई निश्चित उचित नहीं है। ठीक, एक अनंत लंबाई तार ले। अब क्या करा, अनंत विस्तार के आवेशित तार, यानी इस पे आवेश भी विस्तार है, विस्तृत है। हमने मान लिया कि इस तार के सिरे पर, इस तार पूरे तार पर क्या है, आवेश विस्तृत है ऐसे। ठीक, तार की लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। अब आप ध्यान समझिएगा, अब हम करते क्या है, अनंत विस्तार के आवेशित तार ले लिए, अब निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, माना इस तार से, इस तार के अक्ष से, इस तार के अक्ष से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए, पी ले लिए, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप गौर से समझिएगा, आपने क्या लिया, माना एक आवेशित तार है जो कि अनंत लंबाई का है, जिसपे आवेश वितरित हुए हैं। अब उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग गॉस के नियम से ज्ञात कर रहे हैं, तो गॉस के नियम से ज्ञात करने के लिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना करेंगे। तो आइए वो गॉसियन पृष्ठ क्या रहने वाला है, आप बिंदु पी इसको आप लोग इधर बनाइएगा जरा सा। तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बेलन के आकार का होने वाला है। किस आकार के होने वाला है, बेलन के आकार का। तो ये कुछ गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, ये ये हो गए, आपने क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, किए कि नहीं किए। देखिए जो कि बेलन के आकार का, क्या है, बेलन के आकार। अगर आप इस तार को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर इस तार को आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा तार की लंबाई क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, जिससे कि ये बेलन से बाहर आ जाए। ठीक, अब मान लीजिएगा, अब मान लेते हैं कि जहाँ तक ये आपका बेलन था, एक मिनट इसको और थोड़ा सा लंबा कीजिएगा तार को। ठीक, अब जहाँ तक ये बेलन था, मान लेते हैं जहाँ तक ये गॉसियन पृष्ठ की आपने कल्पना किया, वहाँ तक के तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तार की लंबाई L हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की तार की एक लंबाई, तार की एक लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तार की एकांक लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। इतनी बात समझ आया, आप फिर से एक बात समझिएगा, हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं। माना कोई एक आवेशित तार है, तो लिखते हैं माना कोई आवेशित तार
माना कोई एक तार है, माना कोई एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। क्या है? एक आवेशित तार है, आवेशित तार है, ठीक। वो आवेशित तार ये है जो नीले रंग से हमने दिखा के रखा है। फिर क्या है? जिसकी एकांक लंबाई L है, जिसकी एक लंबाई, जिसकी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई L है, एकांक लंबाई L है, ठीक। तार से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, जो आपकी टॉपिक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। इतना आपने इसको लिखना है। आगे अब आप समझिए, चलिए अब आगे क्या करना है। इतना आपने लिख लिया, हमने क्या बताया, कोई आवेशित तार है, ठीक। मान लेते हैं, माना तार पर आवेश की मात्रा Q है और तार की लंबाई आपने L मान ही चुका है, तो मानते हैं, माना तार पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, Q, और लंबाई आपने L मान ही लिया है, तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ के रखा है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटे L, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बटे L, इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, फर्स्ट, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। क्यों हमने पढ़ा है, एकांक लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अब क्या है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एल। अब आप समझिएगा आपको करना क्या है। देखिए, ये जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो बेलन के आकार का है, इस पर दो तीन तरह के पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है। एक पृष्ठ एस वन है, एक पृष्ठ एस टू है, एक पृष्ठ क्या है, एस थ्री। आप समझिए, अब समझिए एस वन एस टू एस थ्री क्या है, ध्यान समझिएगा। ये बेलन के आकार का है, ये एक जो वक्र पृष्ठ है इसका, ये एक पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया, तीन पृष्ठ हुए ना, इस पृष्ठ को S1, इस पृष्ठ को S2, इस पृष्ठ को S3, नाम दिए S1, S2, S3। अब S1 पृष्ठ पर एक छोटा सा खंड काट लेते हैं, ठीक, एक छोटा सा खंड काट लेते हैं। कटे हुए खंड की दिशा किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब सर जी कहोगे कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके कटे हुए खंड की दिशा क्या होगी, DS1 ऊपर की तरफ। आप समझिए, अब आप इसको ऊपर से काटेंगे तो कटे हुए भाग की दिशा किधर रहेगी, ऊपर की ही तत्व तरफ रहेगा, और ये DS1 हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, S3 में एक छोटा सा खंड काट लेंगे, तो S3 में जो एक छोटा सा खंड काटेंगे, ये कटे हुए खंड की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, DS3, ठीक। इसी प्रकार बिंदु P पर एक छोटा सा खंड काटेंगे तो कटे हुए खंड की दिशा इधर होगी, DS2। ये बातें आपको समझ में आई, ये हमने कटे हुए क्षेत्रफल की दिशा दिखाया, इधर ऊपर की तरफ, इधर ये, इधर ये। अब आप जानते हैं, जब तार पे आवेश फैला होता है तो तार से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वो विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार निकलने वाली हैं। आप ध्यान समझिएगा, इनसे विद्युत बल रेखा ई इस प्रकार निकलेगी, इनसे विद्युत बल रेखा ई इस प्रकार निकलेगी, फिर इसी प्रकार विद्युत बल रेखा इधर की तरफ निकलेगा ई, यानी विद्युत बल रेखाएं इधर इधर की तरफ ऐसे निकलने वाली हैं। आप ध्यान समझिएगा, अब ऐसे ही मान लीजिएगा इस आवेश के कारण निकलने वाली विद्युत बल रेखा ई यहां पर हो जाए, तो यहां पर ई और DS1 के बीच का जो एंगल बन गया वो थीटा बराबर कितना हो गया, 90। ये बात आपको समझ में आ रही है, ई और डीएस थ्री के बीच का एंगल कितना बन गया, 90। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ निकल रही और इनकी दिशा इधर है, तो यहां 90 हो गए। इसी प्रकार इस आवेश के कारण यहां पर एक विद्युत बल रेखा ई ऐसे निकली होगी, तो इनके बीच का एंगल कितना बन गया, 90 एंगल, यहां भी थीटा 90 एंगल तैयार हो गए। यानी DS1 और DS3 पृष्ठ पर जो है विद्युत बल रेखा ई और DS3 यानी क्षेत्रफल के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 अंश बन रहा है। अब
पर जो यहाँ आपने काटा है यहाँ पर तो विद्युत बल रेखा ई भी तो आपको इसी पे मिलने वाली, क्यों? क्योंकि ये देखिए विद्युत बल रेखा ई इसी पर आने वाला है। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक बातें जरूर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो डीएस टू पृष्ठ है उस पर ई और डीएस टू के बीच जो थीटा बना है वो क्या बना है? जीरो अंश है, क्योंकि यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है। ये बातें आप समझिएगा, डीएस वन पर बनने वाला एंगल 90 है, डीएस थ्री पर बनने वाला एंगल 90 है, पर ई और डीएस टू के बीच कोण थीटा जो है जीरो है। तो हम क्या करेंगे, आपका काम क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल के गॉस के नियम से चर्चा कर देंगे, यानी गॉस के नियम से तुलना कर देंगे। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा कैसे, यस वन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, यस टू पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, यस थ्री पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, सबसे पहले निकालेंगे डीएस वन से, किससे निकालेंगे, डीएस वन से, डीएस वन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो अब बताइए डीएस वन छोटा सा पृष्ठ है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फाइव वन, ठीक, या तो डी फाइव वन मान लेते हैं। अब डी फाइव वन बराबर हमने वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में, ई डीएस वन फिर कॉस थीटा, ध्यान से समझिएगा, ई डीएस वन कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 90 अंश, यहाँ थीटा कितना है 90 अंश। जब आप थीटा 90 अंश रख देंगे तो कॉस 90 अंश का मान जीरो होता है, तो डी फाइव वन बराबर ई इंटू कितना हो जाएगा डी एस वन, डी एस वन और कॉस 90 अंश का मान जीरो, तो पूरा चीज़ क्या हो गया जीरो, तो डी फाइव वन बराबर क्या हो गया जीरो। तो आपको डी फाइव वन नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, यस वन पृष्ठ से निकालना है। अतः अब किससे निकालेंगे, यस वन पृष्ठ से, तो यस वन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ध्यान से समझिएगा, अब यशवंत पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यशवंत पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या नाम देते हैं, फाइव वन, किसका नाम देते हैं, फाइव वन, छोटे से क्या था डी फाइव वन, बड़े से फाइव वन, तो फाइव वन किसके बराबर होगा, इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का समाकलन, तो डी फाइव वन, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव वन, तो डी फाइव वन का मान जीरो है, तो फाइव वन का भी मान क्या हो जाएगा जीरो, तो ये फाइव वन का भी मान क्या हो गया जीरो, ये बात आप नोट कर लीजिए, फाइव वन बराबर जीरो। तो इसी प्रकार जैसे यस वन है उसी प्रकार का यस थ्री है, क्योंकि यहाँ भी थीटा 90 बना है, तो इसी तरह एस थ्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, अब आप ध्यान समझिए, यस थ्री पृष्ठ से होकर, तो यस थ्री पृष्ठ से होकर भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नाम दे देते हैं फाइव थ्री, क्योंकि यस थ्री पृष्ठ है, तो फाइव थ्री बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसे करेंगे तो फाइव थ्री भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ भी थीटा आपका क्या है 90 है। तो ये फाइव वन और फाइव थ्री का मान निकाल ली, अब क्या है फाइव टू का मान निकालना है, तो आइए फाइव टू का मान निकालते हैं, तो फाइव टू कौन सा पृष्ठ निकलेगा डी एस टू से, तो लिखेंगे डी एस टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या नाम देते हैं डी फाइव टू, डी एस टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हो ई इंटू डी एस टू इंटू कॉस थीटा, ठीक, यहाँ थीटा कितना है 90 नहीं बल्कि क्या है जीरो है, थीटा बराबर जीरो, तो कॉस जीरो अंश का मान एक होता है, तो थीटा बराबर जीरो रख देंगे, तो डी फाई टू बराबर ई इंटू कितना हो जाएगा डी एस टू, कॉस जीरो अंश का मान एक हो जाएगा, ठीक, ये बात समझें, या तो आप रख सकते हैं कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है एक होता है, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है एक, तो डी फाई टू बराबर क्या आ जाएगा ई इंटू डी एस टू, ये बातें समझ में आई। अब हमको डी एस टू से थ्रू निकालना है, हमको क्या निकालना है एस टू पृष्ठ से निकालना है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः यस टू पृष्ठ से, यस टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, देखा दिखाता गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ठीक, अब यस टू पृष्ठ से,
तो यश टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी पूरे पृष्ठ से, तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का नाम फाई टू देते हैं। फाई टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू, छोटे वाले पृष्ठ से समाकलन। तो छोटे वाले का नाम क्या है, ई इंटू कितना है डी एस टू, ये ठीक। ई बाहर हो जाएगा क्योंकि ई का समाकलन होने वाला नहीं, तो क्या बचा डी एस टू। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो डी एस टू है, वो जो डी एस टू का समाकलन करेंगे वो बेलन का, देखिए ये क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ है। तो ये जो बेलन का वक्रपृष्ठ है वही डी एस टू है। डी एस टू का पूरे का समाकलन करेंगे तो ये बेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। और बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं किसके बराबर होता है, बराबर होता है टू पाई आर एल के, ठीक। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, यानी डी एस टू का समाकलन किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल, ई इंटू टू पाई आर एल यानी फाई टू बराबर। ये आ गए फाई टू का मान। आपको क्या निकालना है, आपको कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, फाई बराबर फाई ई मान लेते हैं। फाई किसके बराबर, फाई किसके बराबर, फाई वन फाई थ्री और फाई टू के बराबर। तो फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री मान रख देते हैं। फाई वन का मान जीरो, फाई टू का मान आप देख ही रहे हैं ई इंटू कितना है टू पाई आर एल है, और इसका भी मान क्या है जीरो। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई इंटू टू पाई आर एल, समीकरण नंबर कौन सा हो गया दो। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम लोगों ने क्या वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया, गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर तीन। अब क्या करेंगे, समीकरण तीन और दो से फाई ई एक पक्ष, देखिए आप समीकरण दो और तीन को देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जिनको ये बातें नहीं समझ में आती वो क्या करेंगे, फाई ई का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, या इस फाई ई का मान यहाँ पर रख देंगे, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण दो व तीन से क्या हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ई ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनको हम लोग इधर की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। ई बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा एक बटे व्यवस्थित कर रहे हैं टू पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझिएगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या बचा है, ये इधर सब जाएंगे इधर भी जाएंगे, तो क्यू बटे बचा है आर एल बचा है, ठीक। ध्यान समझिएगा क्या बचा है, क्यू बटे आर एल यही है। अब आप देखिए ये जो q बटे l है ये किसके बराबर है, ये तो लैम्डा के बराबर है, किसके बराबर है लैम्डा के। अभी आपने समीकरण एक बनाया है लैम्डा बराबर q बटे l, तो यहाँ पर जहाँ q बटे l है वो हो जाएगा लैम्डा, तो एक बटे टू पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने पूरे के स्थान पे लैम्डा, लैम्डा बटे कितना हो गया r। तो ये हो गया अच्छी सॉरी गॉस के नियम का जो आपका अनंत विस्तार का आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो ये एक फार्मूला आपको ये मिलता है। पर अगर हम लोग इसको व्यवस्थित रूप में लिखना चाहें तो व्यवस्थित रूप में आपका अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, यहाँ दो से गुणा कर देते हैं, दो से गुणा और दो से भाग, दो से गुणा और दो से भाग कर देंगे तब क्या मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ दो से भाग करोगे दो दूनी चार, ये हो गया एक बटे फोर पाई। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ दो से गुणा दो से क्या कर देंगे भाग, तो ई बराबर लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए दो का भाग किए चार हो गया, अब दो से गुणा भी कर देंगे तो दो लैम्डा बटे कितना आ जाएगा आर। तो इस प्रकार आपका गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपका फार्मूला क्या आ गया, ई बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा बटे आर, जहाँ लैम्डा क्या है आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, आर क्या है दूरी है, अच्छे से दूरी है किसकी, बिंदु पी की दूरी है। तो डियर स्टूडेंट आपका जो अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था वो कंप्लीट हो जाता है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, और एक बार इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जब तक ना आए तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर कहीं भी तब भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आई होप
वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।